नागिन 6 में जल्द ही नया अध्याय शुरू होने वाला है। हमारे कहने का मतलब ये है कि एक बार फिर से ट्रैक में ली पाएगा, जिसके साथ नए मेल लीड एक्टर की एंट्री होगी और नई लव स्टोरी आप लोगों को नागिन 6 में नजर आएगी। इसी के साथ लोगों के बीच में ऐसी बातें भी हो रही हैं कि नए लीड एक्टर के साथ कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ चलेगी और इसी के साथ होगा नाग संतान का आगमन भी। तेजस्वी के अपोजिट इस बार मेकर्स ने एक्टर श्रेय मित्तल को कास्ट कर लिया है। पहली बार श्रेय और तेजा की जोड़ी ऑडियंस को नजर आने वाली है। वैसे तो श्रेय कई शो से जनता के बीच में काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें श्रेय के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। ऐसे में आपको भी बताते हैं कि आखिर एकता कपूर के शो में नजर आने वाला ये नया एक्टर कौन है। बेसिकली श्रेय इंदौर मध्य प्रदेश के एक हिंदू बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। इंदौर से ही स्कूलिंग करने के बाद श्रेय ने मुंबई का रुख किया और मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन श्रेय की किस्मत चमकी साल 2019 में, जब उन्होंने एमटीवी के शो स्प्लिट्सविला 12 में पार्टिसिपेट किया। श्रेय इस शो में काफी लाइमलाइट में रहे थे और इस शो के वो विनर भी बने और यहीं से उन्हें पॉपुलैरिटी हासिल हुई। इस शो के बाद श्रेय को सोनी टीवी के शो इंद्रावली में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अक्षय गोडवा का किरदार निभाया था। वहीं अब श्रेय को एकता के नागिन 6 में लीड रोल निभाने के लिए चुना गया है। बता दें कि श्रेय की एंट्री शो में उस वक्त हो रही है जब नागिन 6 अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। नागिन 6 वैसे भी जनवरी 2023 में ऑफ एयर होने वाला है, ऐसी खबरें लंबे वक्त से लाइमलाइट में बनी हुई है। वही कलर्स टीवी के कई नए नए शोज कतार में लगे हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि श्रेय की एंट्री के एक महीने के अंदर ही शो का अंत हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि शो के आने वाले ट्रैक में तेजा और श्रेय की लव केमिस्ट्री भी दिखाई जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं दोनों के मिलन से होगी नाग संतान की भी एंट्री और नागिन की संतान के साथ ही नागिन 6 का अंत होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी शो के ट्रैक को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई बड़ा हिंट नहीं दिया गया, ना ही कुछ बात कही गई। वेल, अगर नाग संतान का ट्रैक नागिन 6 के अंत में आता है तो इतना तो पक्का है कि ये नागिन 7 का बड़ा हिंट होगा। वेल, अब श्रेय की एंट्री के साथ नागिन 6 की कहानी किस तरह से मोड़ लेने वाली है, जाहिर तौर पर इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई श्रेय की एंट्री के साथ नागिन 6 का अंत होगा और वाकई नाग संतान आएगी या नहीं? अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में।